तो लोग जैसे जैसे समझना चाहें समझ लें, उनका कहना है कि किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो मिल जाती है लोग शिद्दत क्या की समझ जरूरत। रहे हैं मुझे पता नहीं, अगर आप भगवान के पीछे भी पड़ जाओ मिल जाता है। मिल जाता है। अभी आपने कार्तिक से भी सुना होगा कि लग जाइए आप पीछे, इफ हाँ यू, अगर आपको भगवान में भी यकीन है और अगर 100% यकीन है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ ना मिले। कुछ ना मिले, हाँ क्या बात है। मेरे पास 5 मिनट का समय है, अल्प है, तो आज बातें बहुत सारी करनी है आपके साथ लेकिन समय अल्प है, तो दो तीन चीजें। पहला तो अगले जो दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जरा बताइए। एक 71 नाम से कुछ प्रोजेक्ट है आपका आने वाला है और क्रैक है कुछ, तो उसमें क्या कर रहे हैं? जब आप बॉम्बे से नहीं होते हैं तो आप जो भी करते हैं लोग बोलते हैं ये करना चाहिए, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको लोग बोलते हैं आप ये करिए। सो जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो मुझे मैंने रियलाइज किया दे वर नॉट द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स आई वॉज वर्किंग विद। जो भी प्रोड्यूसर बोलता था कि विद्युत आई थिंक यू हैव द टैलेंट, और मुझे लगता था स्क्रिप्ट अच्छी में काम करता था, एंड देन आई रियलाइज कि थोड़ी शॉर्टकमिंग्स तो हैं क्योंकि जो टॉप पे होते हैं लोग किसी भी फील्ड में कुछ तो उनमें अलग होता ही है। सो आई रियलाइज कि अब समय आ गया कि प्रोड्यूसर बना जाए। सो आई स्टार्टेड दिस कंपनी कॉल्ड एक्शन हीरो फिल्म्स, एंड मैंने प्रोड्यूस करना शुरू की फिल्म्स। जो पहली है IB-71 है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हिंदुस्तान की, जिसका जिक्र नहीं किया जाता। हम जानते हैं कि FBI कहाँ से है या मोसाद कहाँ से है, और अगर इंडिया की सीक्रेट सर्विस पूछे तो लोगों को पता नहीं होता। नॉर्मली लोग CBI रॉ बोल देते रॉ हैं। बोल देते हैं, आर तो एन इंटेलिजेंस ब्यूरो जिस पे फिल्म बनाई नहीं गई है, मेरे फादर आर्मी में थे तो मुझे लगता था जरूरी है इसके बारे में बात करनी। और दूसरी फिल्म बना रहे हैं क्रैक क्रैक, सो दिस विल बी द फर्स्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट मूवी फ्रॉम इंडिया। हाँ एंड मैं अक्सर जब ट्रेन में जाता था और मैं देखता था लोग बहुत टैलेंटेड है, लटक लटक के चढ़ जाते हैं पहुंच जाते हैं, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ टैलेंट ऑन द स्ट्रीट इज अमेजिंग। जी सो जो जो मैंने बचपन में देखा था मैंने क्यों ना एक फिल्म में डाला जाए एंड हाई एंड फिल्म बनाया जाए। सो आई एम वेरी प्राउड दैट दिस विल बी द फर्स्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट मूवी फ्रॉम इंडिया। सुपर फैंटास्टिक, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विदु जाबाज। विदु जी, दो तीन चीजें। आपने आज कहा कि तुम आनंद मेरे से एक्शन मत करवाना, तो मैं आपसे रिएक्शन की बात करूंगा, ब्रेन की, क्योंकि दिमाग नहीं होगा तब तक बॉडी कुछ नहीं कर सकता। आपने मुझे एक लेफ्ट राइट दिमाग नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगी, माइंड और बॉडी लोग बोलते साथ हैं बॉडी बिल्डरों का दिमाग नहीं होता है, ऐसा है नहीं नहीं, नहीं लेकिन वो ऐसा जज्बा तो है दिमाग से नहीं। ही आता है, पैशन ऐसा है ही नहीं। तो मैं आपको वो जो आपने मुझे बताया था, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, याद है आप? जरा हमारे दर्शकों को कराएंगे, आप लोग सब ट्राई कीजिए, चलिए साथ में करते हैं। मैंने आपको कराया था, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूं। फिंगर आपने दिखाइए, आपका काउंटिंग इम्तिहान लिया जाएगा, दिखाइए क्या सीखा आपने। आप देख रहे हैं, ये हाथ यहां पर और ये यहां पर। सो इसका बेस ये है कि आप करते रहिए। ये दोनों अलग हैं, ये यहां से काउंट करेगा। एनीवे, सो द लास्ट टाइम वी मेट हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द बैलेंस ऑफ द माइंड एंड द बॉडी, एंड मैंने बचपन से काफी स्केचेस बनाए हैं जिसमें मुझे लगता है कि द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कैन बी बैलेंस्ड। जब हम अक्सर किसी को मिलते हैं और अगर वो पैरालाइज होता है, इफ यू सी अ मैन हु इज पैरालाइज और वुमन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज हैम्पर्ड। ये एक बेसिक है और इसको कैसे संयम में रखा जाए वो बहुत जरूरी है। सो मैंने कई फॉर्म्स बनाए हैं एक्सरसाइजेस के, सो यू कैन बैलेंस बोथ द पार्ट्स। आप कौन सा वाला कर रहे थे अभी? सो पहली यू कैन ट्राई इट। नॉर्मल आपको करना क्या है कि एक मुद्रा होती है, उसके बाद यहां आइए यहां आइए यहां आइए, सिंपल स्लो एंजॉय बस। सब बड़ी उंगली से शुरू करिए और छोटी पे आ जाइए, करेक्ट? नहीं अभी हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने लेफ्ट बात ब्रेन की बात की है। राइट में आप छोटी पे आ जाइए, मूव करिए, इट्स कॉल्ड फ्लो योगा जो मैंने नाम दिया है इसको, इट फ्लोज। अगर आप बहुत सोचेंगे तो नहीं होगा, अगर ट्राई करेंगे रिलैक्स करना, यस वेल डन, स्लो इट डाउन। फिर क्या करना है? स्लोली, द मोर यू फोकस द लेस यू विल गेट इट। यू आर अमेजिंग। सो
कई बार हम लोग ना किसी चीज में बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते, मुझे चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, बट जिस चीज के लिए चाहिए आप उस चीज के साथ क्या करेंगे, उस पर अगर ध्यान ना हो तो नहीं मिलता है वो भी। सो द बेस्ट वे टू ट्राई टू फोकस इज जेन्युइनली नॉट ट्राई टू फोकस, जस्ट ट्राई टू जस्ट गेट इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विदु जामवाल। विदु जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं आग्रह करूंगा अविनाश कॉल जी से, प्लीज एक छोटा सा मोमेंटो आपको पेश करें।